I present to you, Ragni!
के लिए इतना कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट क्यों चूज किया? लुक मैडम, आपको रागिनी एमएमएस में कंट्रोवर्सी और स्कैंडल नजर आता होगा, मुझे उसमें एक कहानी नजर आती है। लड़का लड़की को डर्टी वीकेंड के लिए एक सुनसान बंगलो ले जाता है, वहां पर वो एमएमएस वीडियो शूट करता है। द एमएमएस गोज वायरल, द बॉय गोज मिसिंग। लड़की कहती है कि वहां पर एक चुड़ैल थी जिसने लड़के को मार डाला, लेकिन लड़की का भी पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहते हैं इस इंसिडेंट के बाद वो पागल हो गई। पिछले 3 साल से वो एक मेंटल असाइलम में है। नाउ दैट इज अ स्टोरी। मैं अपनी फिल्म वहीं पर शूट करूंगा जहां पर रागिनी का एमएमएस शूट हुआ था। हॉरर फिल्म, हॉरर एंड का ऐसा कॉम्बो कि फिल्म देखने के बाद ऑडियंस को यह समझ में नहीं आएगा कि डर के मारे अपने मम्मी के पास जाए या एक्साइटमेंट के मारे अपने गर्लफ्रेंड के पास। रॉक, वन मोर क्वेश्चन। पूछो। आपने इंडस्ट्री के सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया है, पर आपने इस फिल्म के लिए टीवी स्टार्स को लिया है। Is it because आपकी लास्ट फिल्म फ्लॉप होने के बाद कोई बड़ा एक्टर आपके साथ काम नहीं करना चाहता? This was a conscious decision. Okay. My story is real. This incident is real. Stars movie को fake बना देते हैं। And as for the female lead, that
इज अ सरप्राइज। वो एक ऐसी एक्ट्रेस है जो सब स्टार्स की छुट्टी कर देगी। शी इज गोइंग टू पुट द रॉ बैक इनटू रागनी। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू, थैंक यू। मजा आ गया। ऑडियंस रिएक्शन वाज सुपर्ब। रॉक्स, व्हाट एन एनर्जी। ये स्कल ठीक है। एंड यू आर जीना, आर डिपार्टमेंट। या व्हाटएवर। रॉक्स, ए जीना छोड़ना यार। आई एम गोना मेक अ ब्लॉकबस्टर। हां या डैनी। ओह हाय, इज दैट आशीष कपूर जी? या प्लीज टेल हिम आई लव्ड हिज लास्ट फिल्म, जस्ट लव्ड इट। श्योर। ओह सॉरी डैडी, इट्स नोबडी, इट्स जस्ट रॉक्स। Yeah. अगर ये आशीष कपूर जी की बेटी नहीं होती तो इसको असिस्टेंट कभी नहीं रखता। What a waste. ना कोई काम करती है, ना किसी और काम आती है। सनी का कमरा, सनी का मेकअप रूम। सनी, सनी, सनी। आंखें बंद कर। क्यों? इसके चेक पे तूने साइन किया? आंखें बंद कर। हेलो गॉर्जियसनेस। नो वन टॉट यू टू नॉक? एक्चुअली नो, मैं सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम्हें ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? लगी कब? अरे जब तुम हेवन से गिरी थी। अरे खुले दरवाजे पे नॉक क्यों कर रहे? आजा। Because that's what gentlemen do. Please come in. आपने बुलाया मुझे? हाँ, तुम दोनों का ठीक से इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है। ये है सत्य कुमार, फेल्ड नॉवलिस्ट, लेकिन फ्यूचर में बनेगा सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर। मुझसे जो मिल चुका है। हाय, मैंने आपकी लास्ट नॉवल पढ़ी थी। आप किताबें पढ़ती हैं? और स्क्रिप्ट्स भी। अगर आप अपनी स्क्रिप्ट टाइम पर भेज देते अब तक पढ़ चुकी होती। मुझे चलना चाहिए। हाँ, वैसे भी बातें ज्यादा हो चुकी हैं। और वैसे भी तुम्हें आफ्टर पार्टी के लिए रेडी होना है। पूरा कास्ट एंड क्रू होगा वहां पे, और वो अपने फिल्म के दो स्टेपनी एक्टर्स हैं, मोनाली एंड मैडी, उनसे भी मिल लेना। सॉरी आई कांट, मुझे कल सुबह सुबह मेंटल असाइलम जाना है। मेंटल असाइलम? तबीयत तो ठीक है ना? मुझे फाइनली रागिनी से मिलने की परमिशन मिल गई है। रागिनी? अब ये रागिनी से क्यों मिलना है? रिसर्च ऑब्वियसली, सो इफ यू एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। रिसर्च? ये पोर्नो से ऋतु पोर्नो कैसे बन गई? तू क्या हंस रहा है बे? वो मेकिंग वाला पहुंचा लोकेशन पे? पहुंच गया सर, पहुंच गया। हाय गाइस, आई एम करण और आज मैं आपको इंडिया की सबसे अवेटेड फिल्म रागिनी MMS के बिहाइंड द सीन्स में लेके जाने वाला हूं। आई नो कि आप सब सनी लियोनी को देखना चाहते हैं एंड नॉट मी। और वैसे भी बाकी की फिल्म की यूनिट तो कल आने वाली है, तो तब तक थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हॉरर फिल्म का असली मजा तो रात को अकेले में ही आता है। लेट्स चेक इट आउट एंड बी स्केयर्ड। रागिनी MMS डे जीरो कम। ऑलराइट। ये क्या है? ये कौन सा हिस्सा है घर का? इसको पेंट क्यों नहीं किया शूटिंग के लिए? एकदम क्रीपी लग रहा है यार। आई बेटर फाइंड माय वे बैक टू द अदर साइड। What is that? Room.
पहचाना सा लग रहा है ना. Let's see. ये तो वही रूम है ना जहाँ पे उदय ने रागिनी की. कोई मेरा MMS भी तो बनाओ. या 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 ओ ओ व्हाट द हेल इज दिस. और रागिनी तू भी किंकी निकली. यहाँ पे आए तो रागिनी का MMS दिखना बनता है यार. ओह या यू डर्टी लिटिल थिंग. ओह या आई लाइक डर्टी गर्ल्स. कौन है? कौन मजाक कर रहा है? Listen, I don't get scared, okay? कौन है कबर्ड में? This is not funny, okay? कौन है? आप रागिनी को पहले से जानती हैं? जरा संभल के. हम एक फिल्म बना रहे हैं तुम्हारे और उदय के साथ जो हुआ उसके बारे में, और उसमें मैं रागिनी बनने वाली हूँ. Tell me, Ragini. लोग कहते हैं कि उस घर में कुछ है. उस घर में चिटकिन थी, उसने उदय को मार डाला. वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, मुझे भी मार डालेगी. वो अभी भी यहीं पर है, मेरे पीछे खड़ी है. मुझे मार डालेगी, मुझे बचाना. नहीं, मुझे बचाना. मुझे मार डालेगी. रागिनी, रागिनी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है. तुम्हारे पीछे कोई नहीं है रागिनी. नहीं नहीं रागिनी, प्लीज काम डाउन. मैंने उदय को मारा. मी त्याला मारूं टाकला. उसका खून जैसे टिप टिप करके मेरे पैरों के पास इकट्ठा हो रहा था. माला खूब मजा आ ली. मैंने मॉडल उसे. प्लीज मुझे बचा लो. प्लीज नहीं, मुझे बचा लो. मेरे पीछे कर. रागिनी, रागिनी तुम्हारे पीछे कोई नहीं है. प्लीज काम डाउन.
डॉक्टर मैं जानती हूँ कि रागिनी के साथ क्या हुआ है। क्या हुआ है ये हम सब जानते हैं मैम, उसने खुद पे अटैक किया है। यही तो मैं कह रही हूँ डॉक्टर कि उसने खुद को अटैक नहीं किया है, उसे करवाया गया है। करवाया गया मतलब? डॉक्टर बत्रा, I'll take it from here. जी जी डॉक्टर, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए। बैठिए, बैठ के बात करते हैं, आइए बोलिए। मैं जानती हूँ डॉक्टर कि आप मुझ पर यकीन नहीं करोगी, और डॉक्टर बत्रा को भी मैं यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि रागिनी के सेल में नॉर्मल से ज्यादा ठंड होती है, कि रागिनी को कोई सेंसेशन फील नहीं होती, सर्दी गर्मी दर्द, कि रागिनी एक ही वर्ड एक ही एक्शन बार बार रिपीट करती है, और डॉक्टर्स उसे मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए ट्रीट कर रहे हैं, है ना? देखिए, ऐसी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन नहीं होता, हर केस अलग होता है, और आंसर्स जानने के लिए प्रॉब्लम की तह तक जाना पड़ता है। आप फिक्र ना करें, मुझे थोड़ा वक्त है, आई गेट टू द बॉटम ऑफ इट। टेक केयर। हाय, ऑफ कोर्स सिस्टर। यस मैम। वो कौन है? ये डॉक्टर मीरा दत्ता हैं, न्यूयॉर्क से पिछले हफ्ते ही आई हैं। थोड़ी अजीब हैं, पर दुनिया की बेस्ट साइकेट्रिस्ट में से एक हैं। अजीब क्यों? क्योंकि जिन केसेस का मेडिकल साइंस के पास कोई जवाब नहीं होता, वो खास उन्हीं केसेस को चुनती हैं। हेलो गॉर्जियसनेस, इज इट हॉट और इज इट जस्ट यू? ग्लोबल वार्मिंग। Come on. Hey. I'm sorry. He's the original kebab mein haddi. Kya hua? Kisi baat se upset ho kya? Nothing. Just a headache. कल जब से रागिनी से मिलके आई हूँ, just feeling a bit sick. साइको से मिलने जाओगी तो यही होगा ना? Normal लोगों के साथ रहा करो, पैरानॉर्मल लोगों के साथ नहीं, खुश रहोगी। यानी तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो? रोकना, ये क्या लिखा है? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले आना वर्जित है। What's वर्जित? वर्जित का मतलब मना है। अरे सब बकवास है। ASI का साइन बोर्ड है रॉक्स, कुछ तो बात होगी। अभी ASI कौन है? ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने पढ़ा है कि ऐसे साइंस ये लोग तभी लगाते हैं जब कोई जगह सच में हॉन्टेड होती है। राजस्थान में भानगढ़ और अजबगढ़ के फोर्ट्स पे ऐसे ही ASI साइन बोर्ड्स लगे हैं रॉक्स। अरे तुम लोग बेकार में लोड ले रहे हो, ये मेरे एंथू कटलेट आर्ट डिपार्टमेंट ने लगाया होगा शूट के लिए। यानी हम लोकेशन पहुंचने वाले हैं? यस, बस यही 2 मिनट तो दूर है। तुम्हें शहर के पास जगह नहीं मिली थी क्या? ये तुम सत्या से पूछो। इस बंगलो में शूट करने का माइंड ब्लोइंग आइडिया मेरा नहीं, इसका था। चले। या ओए राइटर, चले। सीरियसली रॉक्स, ऐसी जगह में घर, ऐशो। घर तो बाहर से खंडर है, अंदर से तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल एंड रेडी फॉर शूटिंग गॉर्जियसनेस। रागिनी,
यहाँ रहने वाले? सब नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट पीपल। और बाकी क्रू? बाकी क्रू एक होटल में रहने वाले हैं, बिकॉज़ दे बिलीव कि यहाँ एक चुड़ैल है। अगर यहाँ सच में कोई चुड़ैल है तो? तो उसे भी इस मूवी में कास्ट कर लेंगे। Come, I'll show you to your room. यहाँ रूम्स तो अच्छे हैं ना? ढाई घंटे दूर वाले होटल से तो बेटर है। उस घर से मीलों दूर रहना। हाँ, मनोज है वो घर। उस घर से अपने आप को बचा कर रखना। मुझे ना आपके साथ कुछ आइडियाज डिस्कस करने थे। रॉक्स जी, मेरे को ना मेरे कैरेक्टर के बारे में मैनी डाउट्स हैं। डिस्कस कर लें क्या? शिट्स टू फास्ट। ओके रॉक्स जी, आपको नहीं लगता कि मेरे कैरेक्टर का ग्राफ कुछ डाउन जा रहा है? वैसे तो मेरे कैरेक्टर में बड़े शेड्स हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, मैजेंटा। शिट्स यार, कुछ फीलिंग्स ही नहीं आ रहे हैं। मूड। अच्छा, सनसाइन क्या होगा मेरे कैरेक्टर का? ट्रिप मैचेस। ये मेरा कमरा है, दिख रहा है ना? देख, ये फेवरेट है मेरा, फेवरेट। मेरे हिट शो का यार, पीके जीएसजेआर। क्या? अरे प्यार के गीत सुना जा रहे, तो मैंने शो क्या छोड़ दिया? चैनल वालों को शो ही बंद करना पड़ गया। मेरे फैन ने प्यार हो जाती सबकी। वैसे तू ये सब क्यों पूछ रहा है? अच्छा, जर्नो है क्या? जर्नो? ओ, स्पार्टी विद पोनी, फैन है मेरा। ऑटोग्राफ चाहिए? चल तू फोटोग्राफ रख, बस चल। मैं अपना कमरा ढूंढ रहा हूँ। कमरा? तेरा कमरा? अच्छा, एडी चढ़ी है तू? देख भैया एडी, ये है वीआईपीओं का एरिया, ओके? फॉर एक्टर्स ओनली। इसे फटाफट निकलने यहाँ से, चल चल चल, गुड बॉय। और सुन, बाहर जाते जाते स्पॉट को बोलना एक सैंडविच और एक चाय, रेड ब्राउन और टी ग्रीन। बड़ा कमरा। Excuse me, शख्स या सत्या, तब से I'm finding you. मेरे को स्क्रिप्ट मिल जाती ना तो मैं जिक्सास कर लेती ना आपसे। सत्य कुमार। Excuse me, मुझे अगर स्क्रिप्ट की कॉपी मिल जाती ना तो मैं रॉक्सी के साथ प्रैक्टिस कर सकती ना। अरे यार प्रॉब्लम तो ये, किसी ने मेरा इंट्रो नहीं कराया। परिंदा ढिल्लो, फ्रेंड्स कॉल मी मैडी। मुझे ना मेरे एक सीन में मैनी डाउट्स हैं, क्या मैं क्लियरिफाई कर सकती हूँ आपके साथ? हाँ, एक ही तो सीन है इसका। सर आप मुझसे बात कर रहे हैं ना? अभी के अभी आपको अपना बीबी पे भेज रही हूँ, ओके? काइंडली प्लीज ऐड मी। हाँ प्लीज बीबी पे ना, मुझे बताओ एक मिनट। और फिर ना हम लोग दोनों ना मेरा सीन डिस्कस करेंगे इमोटिकॉन्स के साथ। एक ही सीन के लिए क्या पिन देना, अब मेरे को बताओ। मैं सोच रहा हूँ एक नया फोन ले लूँ, बिना इंटरनेट वाला। साला, अरे बट हाउ आर कॉन्टैक्ट्स यू? बिजी? बहुत। ठीक है, तो मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखो, मैं जैसे ऐसे तुम्हारा सीन लिखता जाऊंगा, तुम्हें देता जाऊंगा। तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, इस बात से कि तुम इस फिल्म के लिए गलत हो। आई कांट बिलीव यू जस्ट सेड दैट, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं इस रोल के लिए बिल्कुल गलत हूँ। बट आई डिडंट थिंक ये बात मेरे मुंह पे बोलने की किसी की हिम्मत है। माँ हमेशा कहती है कि मैं जरूरत से ज्यादा सच बोलता हूँ।
सारी गलती उन्हीं की है। उनको तुम्हारा नाम सत्या नहीं रखना चाहिए था। मैं भी उनसे यही कहता हूँ। चलो तुम और मैं किसी बात पर तो अग्री करते हैं। ऐसा लगता है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स अब चले नीचे, सब वेट कर रहे हैं। और फिर मोनाली चुड़ैल को देखती है। अरे चुड़ैल को छोड़, हीरोइन कहाँ पे? सर सर सर, दिस इज ओके। या कांट एक्सेस माय फेसबुक। 99 100। It's too worst, yeah. चेहरा देख अपना, उतर गया है, जैसे मेरा कोई महा एपिसोड मिस कर दिया। ये राइटर क्या उखाड़ लेगा? मैं तो सीधा रॉक्सी के पास जाऊंगी, बेस्ट। यार तुम सारी की सारी एक्ट्रेस या डायरेक्टर या राइटर, हम एक्टर्स का क्या होगा? एक्सक्यूज मी, एज यू नो मेरे लोकल वाला बैकलेन में 2 BFs हैं। वैसे भी कॉम्प्रो करूंगी ओनली फॉर रॉक्स जी। ये जो तानिया है ना, आशीष कपूर जी की बेटी है ना, ये तेरे सपने में भी नहीं पटने वाली है। तू इसके साथ सेटल कर ले जीना। ठीक है, उसके पता नहीं कहां कहां टैटू होगा, छेद भी इतने सारे करा रखे, कहीं मैं कंफ्यूज ही ना हो जाऊं। पटवर्धन विला दहानू महाराष्ट्र, बिल्ट इन 1920, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस। आसपास के गांव वाले कहते हैं कि उन्हें अक्सर यहां कोई प्रेजेंस फील होती है, जैसे कि यह घर ही नहीं चाहता कि कोई इसके अंदर आए। पिछले 100 सालों में यहां कई डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। लास्ट रिपोर्टेड इंसिडेंट वॉज रागिनी एंड उदय। इनफैक्ट ASI ने इस घर के आगे बोर्ड भी लगा रखा है कि सनसेट के बाद और सनराइज के पहले अंदर जाना मना है। ऐसा क्या हुआ होगा यहाँ? बद्रीनाथ पटवर्धन स्पाइस मर्चेंट, 100 साल पहले इंडिया के लीडिंग मिर्ची ट्रेडर्स, अपने परिवार के लिए बड़े शौक से ये बंगला बनवाया था। ये औरत कौन है और हर तस्वीर में इसकी शक्ल को इस तरह काटा क्यों गया है? कहीं ये पटवर्धन की बीवी तो नहीं है? Oh my God, missing children child sacrifice, यानी बच्चों की बलि दी गई थी। What the hell happened? Come in. अरे सुन। Excuse me, sorry, not today, please. मैंने already अपनी eyelash निकाल दी है। तो मैं तुम्हारे साथ हुकअप नहीं कर सकती, मेंस। अरे पागल, मेरा लाइटर खराब हो गया है, वो लेने आया हूँ। ऐसे पूरे घर में मैं ही इकलौती हूँ ना जिसके पास लाइटर है। अब देखी। उफ, सो बोर यार, ये ले। टेक इट टू द बॉल्स। ड्रैग देना। अबे ड्रैग मांग रही तो कुछ और मांगेगी? प्लीज माइंड मत करना, लेकिन मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ थैंक्स डार्लिंग, स्टार्टिंग में सारी लड़कियां तूने सुना कुछ? हाँ तेरी बकवास। अरे तू देख पीछे मुड़कर देख एक बार, यहाँ से कोई है अभी? तेरे पीछे कोई है, मैं बोल रहा हूँ एक बार। हाँ मेरे पीछे तू ही है जब से मैं इस घर में आई हूँ। पहले दिमाग से पैदल था, अब यहाँ से पैदल हो जा। चल गेट आउट फटू, चल निकल ना। प्लीज एक बार पीछे मुड़कर देखना, कोई तो है यहाँ पे। कौन है? कोई नहीं, सो डफर। डोले शोले बनाने से कोई मैकमैन नहीं बन जाता। चल फट्टू सिंह निकल। होलसेल में बकवास की जा रही है,
मैं बोल रहा हूँ, मुझे लगा यहाँ से कोई है। अच्छा प्लीज, हाँ प्लीज, तू फटू, चल निकल, निकल यहाँ से, चल निकल ना, गेट आउट, सो वर्स्ट यार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हाँ, तू पागल तो नहीं है? बेवकूफ। जय माता दी, जय माता दी। अबे क्या है, कौन मर गया यार? बेवकूफ। क्या चाहिए? लेसन। अबे स्लो मोशन। टेक दिस नाउ। ये कल की कॉल शीट है, तुम फोन आंसर नहीं कर रहे थे, सो वी फ्रीक्ड आउट। वर यू बिजी? हो भी सकता हूँ, तुमसे मतलब, चल भाग यहाँ से। सनी? हाँ? तू यहाँ? हाँ, क्यों? तो फिर जवाब सिर्फ तू ही दे सकता है मैडी। बस हो गया मैडी, मजाक की भी हद होती है, बहुत हो गया तमाशा। ओ हेलो, मैं कोई ठरकी पीपा नहीं हूँ, टीवी स्टार हूँ, आज भी 600 फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है मुझे डेली की। बात कर रहा यार तू, ये मिस्टर चावर में थी यार, तू बता दे कि नहीं सबको कि मिस्टर चावर में थी। ब्लडी पर्व है इसको। अरे मैं डूड, सनी सच्ची वहां पे देर साथ थी क्या? अरे आई स्वेर यार, मैं ट्यूसडे को छूट नहीं बोलता। साले कुत्ते, क्या क्या माइंड ब्लोइंग माल भेजा तूने यार। अच्छा एक काम कर, एक दो तो और भेज दे, ठीक है? ओके थैंक्स। अगली बार ऐसा करूंगा, कटरीना या करीना को इमेजिन करूंगा, या विद्या, लेकिन 25-30 किलो कम। विद्या Thank you.
साउंड रोल कैमरा रोलिंग टेक 15 एंड एक्शन। उदय उदय तुम कहाँ हो? बचाओ बच कट 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 इट। अरे यार कोई लाइन दो। रॉक्स कैन आई जस्ट टेक 5 टेक 10 बेबीनेस। ते चाय लाओ कोई। हर टेक के बाद कैन आई टेक 5 करेगी तो हमारी तो लग गई ना बेटे। एक्सपीरियंस सर एक्सपीरियंस। अब आप देखो ना मेरे टीवी का एक्सपीरियंस मेरे कितने काम आ रहे। अच्छा अब इतने सारे शॉट्स होते हैं रिएक्शन शॉट्स एक्सप्रेशंस इतने सारे एक्सप्रेशंस चेहरे पे टैलेंट भरा हुआ है अंदर से। दिखाऊं मैं आपको? नहीं दिखाऊं। रोमांस कट इंटेंस कट बदले किया कट बाप बनने की खुशी कट माँ की मौत कट ये होता है सर टैलेंट एक्सपीरियंस इसी से आता है। अरे एक्सपीरियंस उसको भी तो है। तेरी माँ चिसर। शायद तुमने सही किया ऐसे लोगों को यही भाषा सुन में आती है। सो टेल मी व्हाई डू ऑल मेन इन दिस यूनिट थिंक आई एम अ होर। नॉट ऑल मेन सिर्फ वो जिनका दिमाग उनकी पैंट में। सो ऑल मेन? नो नॉट ऑल मेन। I'm sorry, गलती तुम्हारी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है क्या हो गया है मुझे। जब से आई हूँ कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो मेरे साथ। क्यों अजीब लग रहा है? ठीक हो तुम? पता नहीं। I mean, सर दर्द और सनी मैम, क्या मैं आपका टचअप कर दूँ? बस 5 मिनट में। ओके। क्या हुआ ये? Nothing. एक बात याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके? सत्या? या? You're right. सारे आदमी एक जैसे नहीं होते। इस वाले सीन के लिए टच रखेंगे, ओके? I want the lighting a little subdued. ज्यादा लाइट्स नहीं चाहिए, ओके? समझ गए ना? Let's go. Hello, babiness. Hi. Come. Excuse me? आइए ना, बैठिए बैठिए। कम। रॉक्सी, आप मुझे मॉनिटर क्यों नहीं दिखाते? I'm तो fully the director's actor. Yeah, yeah. What I'll do now? अभी आपको हम लटकाएंगे उल्टा और you know आपको ऐसी एक्टिंग करनी है जैसे चुड़ैल दिख गई, okay? लाइन याद हो गई? बचाओ बचाओ। बचपन से प्रैक्टिस कर रही हूँ रॉक्सी। या वेरी गुड। अभी चलो इसको लटकाओ लटकाओ इसको। कम कम प्लीज आइए ना बैठिए। कम ओके रेडी स्टंट बॉय उठाइए। बचाओ बचाओ। ओके इसको घुमाओ अभी। बचाओ। Now everyone ready? Roll sound. Rolling. Camera. Rolling. Shot 5 take 1. Action. बचाओ, 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 बचाओ. Ah, very good, very good.
अरे परफॉर्मेंस से हिला दो। हाँ यस, वेरी गुड वेरी गुड, और हिलाओ चिल्लाओ बचाओ, अरे परफॉर्मेंस से निकालो बचाओ। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस मोनाली, ब्रिलियंट। अरे क्या इंप्रोवाइजेशन था, अरे तुम तो बिल्कुल कैरेक्टर में घुस गई थी। अरे ढाओ ढाओ, अरे मजा आ गया मजा आ गया। अरे ताली बजाओ ताली, क्या परफॉर्मेंस था। वेरी गुड मोनाली, वेरी गुड, मजा आ गया, वेरी गुड। अच्छा बहुत हो गया, शट अप, चलो पैक अप। चलो चलो गाइस मूव इट, धक्का मारो चलो भी, जल्दी करो सब लोग, रात होने के पहले हमें यहाँ से निकलना है। रात का शूट हुआ तो तब का तब देखा जाएगा, हमें यहाँ भूत और चुड़ैलों के साथ थोड़ी रात गुजार। तुम्हें पता है जब रॉक्स मुझसे पहली बार मिलने आया था उसने कहा था कि वो मेरी एक्टिंग का फैन है। तुमसे क्या कहा था? कि उसे मेरी किताबें पसंद है। और तुमने उसकी बात मान ली? बेसिकली उसे पता था कि रागिनी की फैमिली उनकी कहानी लिखने के लिए सिर्फ तुम्हें परमिशन देगी। वो तो मैं समझ ही गया था, उसने मेरी एक भी किताब नहीं पढ़ी है। ऑफ कोर्स नहीं पढ़ी, रॉक्स के तो एसएमएसएस भी पांडे जी पढ़ के सुनाते हैं। कम ऑन चीयर अप, रॉक्स पे कितना और टाइम वेस्ट करोगे? मैं रॉक्स की नहीं मोनाली के बारे में सोच रहा हूँ। आज सेट पे जो हुआ था, अगर सच में मोनाली ने सीलिंग पे कुछ देखा हो तो। मोनाली इज अ ड्रामा क्वीन, वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती है। यहाँ कोई भूत नहीं है। रागिनी की माँ को ऐसा नहीं लगता। मतलब? रागिनी की माँ का विश्वास है कि इस घर में कुछ है और इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इस घर से दूर रहूँ, पर मैं फिर भी ये आइडिया रॉक्स को दे आया। पर अब लगता है कि शायद मैंने अपने करियर के खातिर हम सबको खतरे में डाल दिया। सत्या डोंट बी सिली, हम सब अपने अपने करियर्स के लिए यहाँ आए हैं, तुम्हारे लिए नहीं। अगर मेरे वजह से किसी को भी कुछ भी हो गया ना, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। किसी को नहीं, तुम्हें जरूर होगा। अगर तुम इस रेट से विस्की पीते रहे तो कल सुबह तुम्हारे सर में हथौड़ों का ऑर्केस्ट्रा बजेगा। तुम मुझे पीने से रोक रही हो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले पीने से रोक रही हूँ। ध्यान से मैडम, दो ड्रिंक्स के बाद मेरे जैसे लड़के भी हैंडसम लगने लगते हैं। बारिश रुक गई है, चले? Yes. फैमिली खत्म हो गई,
लेकिन ऑब्चुरी में पटवर्धन ने सिर्फ बच्चों का नाम दिया. That's weird. बच्चों की माँ का क्या हुआ? कॉफी. Finally, here comes my great assistant Nishant. Yeah. कहाँ थे? ब्राज़ील से कॉफी बीन्स लेने गए थे. अरे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं थोड़ी देर बाद भी आता ना, तब भी आप यहीं की यहीं होती. Just stuck to your seat. मुझे तो समझ में नहीं आता कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो. ऊपर से you're so busy. फिर भी ये फ्रीकी केसेस के लिए टाइम निकालते रहते हो. I mean, फंडा क्या है बॉस? I'm on to something. अरे डॉक्टर डी, ये सब भूत प्रेत चुड़ैल हॉन्टेड हाउस वाले रूमर्स ना उन्होंने फैलाए. ये सब पीआर मशीनरी का काम है रॉक्स की. You know what the problem with you guys is? तुम लोग बहुत सिनिकल हो. Anyways, रागिनी के मेंटल असाइलम का फुटेज कहाँ है? मैंने देखा. I'll show it you. ध्यान से. रागिनी ना अपने बेड पर ऐसे बैठी है और उसके चेहरे पर साला कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है और बस आगे पीछे रॉक करती जा रही है फॉर फ्रीकिंग 2 years. I nearly died of boredom, man. I'm so glad you liked it. I need the tapes on the table tomorrow. लेकिन listen, tomorrow. अरे but see, listen. Yes. सनी, कब से ढूंढ रहा हूं यार तुमको. तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहां क्या कर रही हूं? मैं यहां क्या कर रही हूं मतलब? तुमने स्लीप वॉकिंग शुरू नहीं कर दी ना? ऐसा मत करना, सारा का सारा क्रू तुम्हारे पीछे चलता मिलेगा. चलो गेट सम रेस्ट. और शूट? शूट आज नाइट शिफ्ट है. आज रॉक्स का स्पेशल मूनलाइट सीन. चलो. कितनी बार कहूं इस वीडियो में कुछ नहीं है. और मैंने भी कहा है ना, जब तक हम सारे वीडियोस देख नहीं लेते हम यहां से हिलेंगे नहीं, ना तुम ना मैं. सो शट अप. ग्रेट. सत्या भाई, क्यों मधुमक्खी के छत्ते की तरह मुंह बुला के बैठा है यार? आजा, मजे कर रहे हैं सब साथ में बैठे. आजा आजा यार. अरे आ रहा है यार. आ रहा है.
ये रोशनी ना एक ही करके हमारे सारे सीक्रेट निकाल रहे हैं। आपको मालूम है क्या, ये तानिया और कुणाल का ना अफेयर चालू है 2 महीने से। कैंडल ऑफ द सेंचुरी। लिसन यार गाइस, प्लीज डोंट टेल एनीवन अबाउट अस। हां, हम लोग और कुछ काम नहीं है क्या? तेरे अफेयर के बारे में स्टेटस अपडेट थोड़ी करने वाले हैं हम लोग। अरे सत्या भाई, ए, रुक, बहुत पाड़ू गेम है, मैं बताता हूँ। गेम का नाम है नेवर एवर, आई हैव नेवर एवर, ठीक है ना भाई? तो हम में से कोई भी एक सेंटेंस शुरू करेगा आई हैव नेवर एवर से, और अगर तूने वो चीज की है तो तेरे को अपनी ड्रिंक बॉटम सा, समझ गया? अरे सिंपल है यार, देख जैसे मैं बोलूंगा हाँ आई हैव नेवर एवर डन इन एरोप्लेन, तो अगर तूने एरोप्लेन में कांड किया है तो अपनी ड्रिंक, बस सही ना? चलना यार, कोई जबरदस्ती नहीं है, चल। या सत्या, कम ऑन। चीयर्स। मेरा भी रिफिल। ये लो। देयर यू गो सर। रेडी रेडी रॉक्सी। हां रेडी रेडी। सत्या जी आपकी टर्न। आपकी टर्न। आई हैव नेवर एवर प्लेड दिस गेम। इन दोनों को कपड़ों से क्या एलर्जी है? पनिशमेंट है। अगर तुमने कोई वेयर्ड सा नेवर एवर दिया तो पनिशमेंट मिलती है। ऑल इन ऑल ये दारू पीने की गेम है, तुम्हारे राउंड में अगर किसी ने सिप नहीं लिया ना तो सजा मिलेगी, सजा। जीना मरे या ना मरे, खुशी से मैं जरूर मर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं मर गया तो तुम सबकी रेड कौन लगाएगा? कम ऑन, पार्टी ओवर। Come on, Kunal. Yes, sir. अभी तक यूनिट की बस क्यों नहीं आई? सर मैंने कई बार फोन किया, ड्राइवर फोन ही नहीं उठा रहा। तो बस में किसी और को फोन करो, थोड़ी देर में चांद निकल आएगा, हम देर नहीं कर सकते। देर नहीं होनी चाहिए। She's right. Yes, sir. Everybody, come on, back to work. Gina, huh? Blood, axe, huh? Handcuffs. Handcuffs? Shit. Give me 5. ताई, ताई, मैं तुमको बोलने को आई कि मेरे को आज जल्दी घर जाने का है। क्यों जल्दी जाना है? क्या ताई, मैंने बोला तो था आज मेरा महाकार्तिक पूर्णिमा का उपवास है, आज रात को बुरी शक्तियों की पूजा होगी। क्या हुआ, डर गई? भूत प्रेत में बहुत विश्वास करती हो क्या? साहेब, भगवान को मैं मानती है तो बुरी शक्तियों को भी मानना चाहिए ना। हाँ, आज महाकार्तिक पूर्णिमा है, आज की रात बुरी आत्माएं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, तभी उनकी शांति के लिए हम ये पूजा और उपवास रखते हैं। बुलशिट, दिस इज ऑल बुलशिट। ताई, लगता है ये लड़की पे ना कोई चुड़ैल चढ़ी हुई है। हाँ। तुम्हें कैसे पता? अब वो डॉक्टर जी प्लीज, अब आप वापस शुरू मत हो जाइए, ओके? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो हम दोनों को यहाँ नाइट शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपकी चुड़ैल का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी मेरी गर्लफ्रेंड तो मुझे कच्चा खा जाएगी ना यार, समझा करो। साहेब, ये हंसी वाली बात नहीं है। हाँ ताई, हमारे में बोलते हैं कि कोई भी चुड़ैल ना किसी पे तभी चढ़ती है जब उसे अपनी अधूरी कहानी सुनानी हो। ओह रियली? Is it so? मतलब वो अपनी कहानी सुनाती कैसे है, बोलो? साहेब उल्टा, किसी भी शरीर पे जब वो कब्जा करती है ना तो उल्टा ही बोलती है, सीधा बोलती नहीं है। Of course. भाई आप मेरे खाना लेके आइए। हाँ ताई। निशांत, you wanna go home, right? Yeah, Dr. D. You go home, we'll continue tomorrow. Thank you, Dr. D. और Dr. D, भूतों से थोड़ा ब्रेक ले लेना, okay? Good night. क्या बोला इसने? मुझे मेरी बेटियाँ बहुत पसंद है, पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मला माझ्या मुली आवडतात। मुझे मेरी बेटियाँ पसंद है,
पर मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। तो हर सोमवार ही मैं उपवास करती हूँ। 5 साल तक हर सोमवार व्रत रखा था, फिर जाके पैदा हुआ था वो। मैं वो मनहूस दिन कभी नहीं भूल सकती। इनके बाबा काम से शहर गए थे, तीनों छुपा छुपी खेल रहे थे, और फिर अचानक मुझे उसकी चीख सुनाई दी। जब तक मैं पहुंची बहुत देर हो चुकी थी। मुझे किसी बात का होश नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस एक सवाल था, मेरा बेटा उठ क्यों नहीं रहा। घंटों तक पागलों जैसे उसे अपने सीने से लगाकर लोरी सुनाती रही। जो जो रे बड़ा जो जो रे बड़ा जो जो रे पाई घुंघरुआ पाई घुं। और फिर किसी ने मुझे उम्मीद दी। और तेरा सबसे बड़ा फर्ज है बलिदान। मैं अपने बेटे के दुख में इतनी सुन्न हो गई थी कि मुझे अपने बेटियों की चीखें भी नहीं सुनाई दी। ओम रीम क्लीम जमुना। ये पकड़, आंखें बंद रखना और मंत्र पढ़ती रहना। बाहर गांव वालों तक बात फैल गई। तांत्रिक उसी वक्त वहां से भाग गया। पर मैं गांव वालों के लिए मैं एक ऐसी माँ थी जिसके हाथों पे खून था, अपनी ही बेटियों का खून। उन लोगों ने मुझे पेड़ से टांग दिया। मैं चिल्लाती रही कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं चुड़ैल नहीं हूँ। मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। किसी को नहीं छोड़ेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी, किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। ऐसा होने नहीं दूंगी, मुझे ही कुछ करना होगा। मैं आती हूँ भाई। What's going on? Thank you.
अपना सबसे ग्रैंड छोटे छोटे मैडीज कैसे हैं सब हा? 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 नीचे भरत प्री माचिस कौन है नीचे बोल मस्ती कर रहा है यार कौन है वो सनी बेटा सुबह तूने राउंड वन जीत लिया और मैं राउंड टू का स्पेशलिस्ट हूं अब भी आ रहा हूं जंगल में मिंगल करने कहां क्या किधर रखा है ये आज इसे उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा अन्य खबरों में रानी मेंटल असाइलम में आज एक अजीब किस्म की मौत हुई जिस शख्स की मौत हुई निर्माता निर्देशक रॉक्स उसी के जीवन पर आधारित एक फिल्म बना रहे हैं हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसका MMS कुछ साल पहले लीक हुआ था हाल ही में रागिनी एक बार फिर से सुर्खियों में आई जब मशहूर फिल्म डायरेक्टर रॉक्स ने उसकी कहानी पर आधारित एक फिल्म अनाउंस की मगर अफसोस रागिनी अब ये फिल्म कभी नहीं देख पाएगी रागिनी की मौत के साथ ही उसकी ये दर्दनाक कहानी भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई हेलो हेलो आंटी मैं सत्या बोलो सत्या आंटी आई एम वेरी सॉरी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या कहूँ कुछ बोलने की जरूरत नहीं है सत्या मैं तो बोल बोल कर हार गई पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी मेरी रागिनी पागल नहीं थी सच तो ये है कि उस पर एक चुड़ैल का साया था आंटी अगर एक मिनट के लिए मान भी जाए कि रागिनी में चुड़ैल थी तो अब वो कहां गई भगवान करे कि वो वही वापस चली गई हो जहां से वो आई थी आंटी रागिनी की मौत हुई कब चार दिन पहले तो तुम्हारी उस फिल्म की हीरोइन मेरी बेटी से मिलने आई थी ठीक उसी दिन जस्ट फीलिंग अ बिट सिक इस घर में कुछ है आंटी रागिनी के हाथ पे जो निशान था वो निशान भी अचानक उसके हाथ से गायब हो गया मुर्दा इंसान के हाथ से भला निशान कैसे मिट सकता है सत्या ना तो वो निशान गायब हुआ है और ना ही वो चुड़ैल हेलो मिसेस शिंदे हाँ डॉक्टर दत्ता बोलिए मुझे इस घर में किसी से बात करनी है अभी हाँ मैं सत्या का नंबर अभी भेजती हूँ कुकड़ू सनी कहाँ छुप गई यार तू सनी मेरे साथ स्ट्रिप टीज अबे टीवी का कंज्यूमेशन किंग हूं मैं जब भी स्वागत बनाता हूं ना तोड़ू फोड़ू टीआरपी आती है तू भी आ जा सनी बेटा सनी कम टू पापा
पानी सनी कम ऑन हनी आज तो वाटर के अंदर सनी 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 रॉक्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिंदगी और मौत का सवाल है। किसकी? तेरी या मेरी? It's Sunny. She's possessed. उस पे किसी चुड़ैल का साया है। और तेरे पे पागलपन का। रॉक्स, रॉक्स। मुझे ना अपने लिए एक सिक्योर बॉयफ्रेंड चाहिए, तेरे जैसे इनसिक्योर नहीं। ओके, मैं जानता हूँ कि सर पर तू अब कुछ जरूर कांड कर रही है। I know this very well. Excuse me, I'm not cheat on you. Please don't be fool. Shit, तूने मेरा पूरा मूड बर्स्ट कर दिया है। मनाली तू मेरी बात सुन। सारे जेंट्स ना सेम टू सेम होते हैं। तुम बर्स्ट। Hello, babiness. मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन I am your biggest fan. इनफैक्ट अभी अभी मैं अपने कमरे में तुम्हारा वो डॉक्टर नर्स वाला वीडियो देख रहा था। एंड देन आई थॉट टू माय सेल्फ, रॉक्स, यू आर एन इडियट। तुम यहीं पर बैठी हो और मैं तुम्हारा वीडियो देख रहा हूं। एंड सो आई केम टू से व्हाई डोंट यू एंड आई प्ले डॉक्टर नर्स। रॉक्सी की आवाज सनी के रूम से। रॉक्सी, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स मी, इट्स ओके, आई एम हियर। सनी ने, शी इज पोजेस्ड, मनाली, रॉक्सी को मार दिया। शी इज पोजेस्ड, मतलब उसमें चुड़ैल है। ओके सत्य, I'm Dr. Meera Dutta, Ragini ki psychiatrist hoon. Aap yahan kya kar rahi hain? Waqt nahi hai hamare paas. Yahan ek aatma qaid hai jise Reha ne kiya to wo yahan se kisi ko jaane nahi degi. We'll have to do something about it and quick. Oh God. Satya, please. Satya, please. Unali, please. Don't. Please. Saath rao. Thank you.
कबर्ड के पीछे से तो नहीं आ रहे? जाने ही नहीं देगी। ध्यान से, ध्यान से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। Just look for the light। इधर आओ। इनका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जो करना कर लीजिए डॉक्टर, जस्ट सेव सनी प्लीज। आई एम अ डॉक्टर सत्या, बट आई ट्राई माय बेस्ट। पिछले साल ऋषिकेश में एक बाबा जी मिले थे जिन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए थे जो आत्माओं को शरीर से अलग करते हैं। उस वक्त सोचा नहीं था मेरे किसी काम आएंगे, लेकिन इस वक्त शायद वही हमारा आखिरी चारा है। आयुष्वाद इस मंत्र से काम करेंगे। इस वक्त सिर्फ एक ही चीज हमारे काम आ सकती है, वो है विश्वास। इट हैज टू वर्क। प्लीज डू फास्टली डॉक्टर। मोनाली शक्ति।
ओम नमो भगवती विरूपक्षी विक्रवदन घोर भय जीव जन शिव जालुकारी सावधानी। महाचीन देवी जटा सनी को कुछ हो गया तो सनी को कुछ ये सनी नहीं है। I love you. Come on, break it. ऐसा मत करो। तोड़ो God damn it. Break it. Break it. Leave it. इसे पकड़े रखो। सत्या यहां से निकलते ही पुलिस को बुलाना होगा। इन बच्चियों का अंतिम संस्कार करवाना है। संभल के
चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोके। मैं रहूं सारी रात इंदबा दारू पीऊं लगातार एक आधी सब पी लेते हैं मैं तो पीऊं बोतल चार चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका। I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight, I wanna hang over tonight. Char botal vodka, kaam mera roz ka, na mujhko koi roke, na kisi ne roka. Char botal vodka, kaam mera roz ka, na mujhko koi roke, aur na kisi ne दारू सुबह नींबू पानी पार्टी करने वालों की है यही कहानी पेट भर के जितनी भी पी लो किसी की बंदी को भी हेलो हेलो बेबी हाउ डू डू एक मिनट तो खड़ जा तू पता नहीं मुझे ये समझ नहीं आता मेरे साथ कभी कोई क्लब नहीं आता अपने पल्ले से कोई नहीं पिलाता मैं पी लूं ज्यादा फिर कोई मुंह नहीं लगाता क्योंकि 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 चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका सब देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वोडका पुकारे सूजी सूजी आंखें मेरी फिर भी देखो लड़कियों को कैसे ये निहारे अगले दिन उठूं मैं हैंगओवर में फिर भी देखो लीवर मेरा वोडका पुकारे चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके ना किसी ने रोका चार बोतल वोडका काम मेरा रोज का ना मुझको कोई रोके और ना किसी ने रोका सब चार बोतल वोडका काम मेरा